गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा टाइम, उसका पेज नंबर है 37। क्योंकि फर्स्ट टू चैप्टर हमने कर लिए हैं कंप्लीट, सेकंड चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया था, उसका आपसे टेस्ट लिया जाएगा सेकंड चैप्टर का। अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर हमारे पास 37, क्वेश्चन नंबर है 1, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, राइट योर आंसर इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। यहाँ पे 3 डायग्राम्स दी गई हैं, ए बी सी। यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, आपने इनको वर्ड्स में भी लिखना है और आपने इनको फिगर्स में भी लिखना है। चले किस तरह लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्लास 4 चैप्टर नंबर 3 टाइम, पेज नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, राइट योर आंसर इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। यहाँ पे देखें एक घड़ी बनाई गई है जिस पे टाइम है 12:15। तो फिगर्स में और हम वर्ड्स में किस तरह लिखेंगे, 12:15, 15 मिनट्स पास्ट 11, 15 मिनट्स पास्ट 11, नेक्स्ट 15 मिनट्स पास्ट 12, नेक्स्ट है 11:20, 20 मिनट्स पास्ट 11, नेक्स्ट है 4:30, 4:30। क्योंकि ये 30 पे है और एक है 4 पे, इसलिए 4:30, 4:30। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका है, नाउ राइट द टाइम इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। यहाँ पे है 1:35, 25 मिनट्स टू 2। बी में हमारे पास 3:45, 15 मिनट्स टू 4। सी में हमारे पास 6:50, 10 मिनट्स टू 7। इसका हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट द टाइम इन फिगर्स। इसमें ए बी सी डी और ई पार्ट हैं। चलिए इसे फिगर्स में लिखते हैं हम। 20:03, 20:03। फिगर्स में किस तरह लिखेंगे, 20:03। बी है 10:15, नेक्स्ट है 25:11, 25:11। टेन, 10:15, इसे इस तरह लिखेंगे 10:15, क्योंकि 15 क्वार्टर होता है। 25:11, नेक्स्ट है 12:40, 10:10, 10:10। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। थैंक यू सो मच।